तो आज क्वेश्चन सीख गई है मैंने। 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया है क्योंकि मेरे पास रेडियस 2 सेंटीमीटर आया था और इसमें अब मैं रेडियस शो नहीं करूंगी। रेडियस इस तरह हम शो करते हैं ना, क्वेश्चन बी में मैंने कहा था आपने सारे सर्कल में रेडियस शो करना है। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया डायमीटर बताना है। डायमीटर आपको कैसे कहते हैं, एक सर्कमफ्रेंस से दूसरे सर्कमफ्रेंस तक लाइन आएगी और सेंटर को क्रॉस करेगी। चाहे तो आप बिल्कुल सीधी ऐसे लाइन बना लें और अगर आपको सही लगता है तो की लाइन भी आप बना सकते हैं यूं, जो सेंटर को क्रॉस करे एक सर्कमफ्रेंस से दूसरे सर्कमफ्रेंस तक और सेंटर को क्रॉस करे, इसे हम कहते हैं डायमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। आप देखिएगा, मेजर कीजिएगा अपने रूलर से, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन आएगी क्योंकि हमने सर्कल 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था। ये देखिए 2 सेंटीमीटर का ये रेडियस हो गया, एक रेडियस यहाँ हो गया हमारा और एक रेडियस हमारा यहाँ हो गया, दोनों रेडियस मिलेंगे तो ये बन जाएगा डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर क्या था, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था। सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से आपने करने। लास्ट क्वेश्चन सी में सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि इसमें डेसिमल है, डेसिमल को कैसे डिवाइड करेंगे और सर्कल कैसे बनाएंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको अगेन बताने के लिए लिखा है। 4.8 सेंटीमीटर है, ये भी डायमीटर है, इसको भी पहले हम रेडियस में चेंज करेंगे। रेडियस में चेंज करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन रिपीट किया मैंने, अब मैं फॉर्मूला लिखूंगी, आर इज इक्वल डी अपॉन 2, डायमीटर को 2 से डिवाइड करना है। आर इज इक्वल, डायमीटर क्या था मेरे पास, 4.8 सेंटीमीटर अपॉन 2, इसको हम वर्किंग में डिवाइड करेंगे। यस क्लास, 4.8 को 2 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल है, 2 पहले 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 4 कंप्लीट डिवाइड हो गया, क्रॉस ये डेसिमल ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। डिवाइड करना आता है ना क्लास, डेसिमल में कैसे करते हैं, ये डेसिमल ऊपर ट्रांसफर करेंगे, 8 अब यहाँ लिख लेंगे, 8 2 के टेबल में 8 का बात है, 2 का टेबल रीड करेंगे, 2 4 8 कंप्लीट डिवाइड हो गया। ये मेरे पास रेडियस क्या आया, 2.4, यानी 2.4 का मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। आर इज इक्वल, रेडियस है मेरे पास 2.4 सेंटीमीटर। अब आंसर का मुझे सर्कल ड्रॉ करना होता है, ऐसे ही प्रकार को अपने 2.4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। 2.4 सेंटीमीटर कहाँ होता है, आई मैं आपको रूलर पर दिखा दूँ कैसे सर्कल ड्रॉ करेंगे आप। इस क्लास यहाँ देखिए अपने रूलर में ये 0 है, 0 के बाद 1 2 1 और 2 2 के बाद 4 मिलीमीटर की लाइन्स लेनी है आपने। ये छोटी छोटी सी लाइनें नजर आ रही हैं हमको, ये 4 लाइंस लेनी है, तो 2.4 हो जाएगा हमारे पास ये सर्कल। 4 तक अपने प्रकार को 2.4 तक ओपन करना है। ठीक है, यहाँ 0 से लेकर 2.2 और उसके बाद छोटी छोटी सी ये लाइन है, इसको 4 लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ 4 तक अपने प्रकार को ओपन करेंगे और सर्कल ड्रॉ करेंगे 2.4 का। स्टूडेंट ये 2.4 का मैंने सर्कल ड्रॉ किया है और इसमें भी अगर मैं रेडियस लूंगी तो ये 2.4 आएगा, मगर मैंने इसमें क्या शो करना है, क्वेश्चन में डायमीटर था तो इसमें मैं डायमीटर शो करूंगी। आप वो कहीं से भी ले सकते हैं, यू डायमीटर किसे कहते हैं, डेफिनेशन याद है आपको, मैंने याद करने के लिए भी कहा था ना कि डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा आप लोग सर। एक सर्कमफ्रेंस से दूसरे सर्कमफ्रेंस तक लाइन जाती है, कोट जाता है और वो सेंटर को क्रॉस करता है, तो उसे हम डायमीटर कहते हैं और ये बन जाएगी 2.8 सेंटीमीटर। यस क्लास, आपकी डायरी है स्टूडेंट, सॉल्व क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी करना है अपने फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 13.1। 13.1 के जितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज सी के वो आपने सॉल्व करने हैं, बहुत अच्छे से सर्कल भी ड्रॉ कीजिएगा अपने कॉपी पर और उसको सॉल्व भी कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ज्योमेट्री की कॉपी में। अल्लाह हाफिज़।